लगातार आप देख रहे हैं सीआईएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राष्ट्रीय जनता दल परिवार में लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को लेकर उत्साह का माहौल है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि लालू प्रसाद के 67वें जन्मदिन की तैयारी पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से की जा रही है। गरीबों के लिए भोज का आयोजन भी राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से किया गया है। साथ ही बिहार के अस्पतालों में गरीबों को फल उपलब्ध कराया जाएगा, मिठाई उपलब्ध कराया जाएगा जो हॉस्पिटल में पेशेंट हैं। सुनिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता चितरंजन गगन लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर क्या बोल रहे हैं और किस तरह कल की तैयारी है। सुनिए एक्सक्लूसिव वीडियो में चितरंजन गगन क्या बोल रहे हैं। कल 11 जून को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी का 76वां जन्मदिन है। पार्टी ने इसे सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में गरीबों के लिए सहभोज का आयोजन कर सामाजिक न्याय और सद्भावना का संदेश दिया जाएगा। इसके साथ ही कई जगहों पर अस्पतालों में मरीजों के बीच में फलों का वितरण, बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण, साथ ही जो गरीब हैं, अनाथ हैं, लाचार हैं, बेवस हैं, उनके बीच वस्त्र का वितरण और कई जगहों पर रक्तदान का आयोजन किया गया है। ऐसे कार्यक्रम न केवल बिहार में बल्कि देश के दूसरे प्रदेशों में भी आयोजित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में इसमें लोगों की भागीदारी होने की संभावना है और पार्टी के सभी राष्ट्रीय स्तर से लेकर पंचायत और गांव स्तर तक जो भी साथी हैं इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और ऐसे आयोजन प्रदेश, जिला, प्रखंड से लेकर पंचायत और गांव स्तर तक आयोजित किया जाएगा। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज़।